चौथा एक कारण था कि हमारी जो गाय है बहुत पवित्र है, अंग्रेज उसी का कत्ल करते थे, गाय का एक एक दिन में हजारों गाय काटते थे। गाय काटने का सबसे पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने खोला इस देश में, कलकत्ता में सबसे पहला, और हजारों गाय कटती थी। उस गाय का मांस जो निकलता था वो अंग्रेज अधिकारी खाते थे और भारत के हिंदुओं को चिढ़ाते थे कि देखो तुम्हारी गाय हम काट रहे हैं। फिर हमारे देश की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, उनकी इज्जत को तार तार करते थे। मेरे पास कुछ अंग्रेजी दस्तावेज हैं, उनमें से एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम था नील। वो अपनी डायरी में लिखता है कि भारत की मां बहन बेटियों के साथ हम क्या करते हैं, गांव गांव में जाते हैं, हमारी जो आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो माताओं बहनों को नंगा कर देते हैं, पूरे गांव में उनकी परेड निकालते हैं, फिर माताओं के शरीर का जो अग्रभाग होता है स्थन, उसको लोहे के चिमटे से दबाते हैं, तब तक दबाते हैं जब तक खून ना निकल आए, उसके बाद उनके साथ बलात्कार करते हैं, फिर उनकी गर्दन काटते हैं, ऐसे अत्याचार करते थे। अब कोई समाज ऐसे अत्याचारों को कितने दिन बर्दाश्त करेगा। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों में जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ और उस गुस्से का परिणाम था 1857 की क्रांति। शुरू कैसे हुई ये? एक क्रांतिकारी थे हमारे देश में, उनका नाम था मंगल पांडे। वो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते थे, माफ करिए सेना में। बैरकपुर नाम का एक छोटा सा स्थान है बंगाल में, वहां उनकी पोस्टिंग थी। उनको एक दिन पता चला कि अंग्रेज गाय काटते हैं, और गाय काटते ही नहीं है, उस गाय का जो मांस है वो कारतूस पे लगाते हैं, और वो कारतूस भारतवासियों को मुंह से खोलना पड़ता है, माने गाय का मांस मुंह से लगाना पड़ता है। ये मंगल पांडे को पता चला। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी, 29 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा कि क्या आप गाय काटकर उसका मांस कारतूस पे लगाते हैं। उस अधिकारी का नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। तो उस अधिकारी ने कहा, ना भी नहीं कहा, हां भी नहीं कहा, उत्तर नहीं दिया, चुप रहा। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया, गुस्सा आ गया। तो मंगल पांडे के पास राइफल थी, उन्होंने दो गोली मारी उसको, ह्यूसन वहीं मर गया। फिर दूसरे अंग्रेजों ने आकर मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की, मंगल पांडे ने और एक अंग्रेज अधिकारी को मार डाला। तब तक कुछ इकट्ठे होकर अंग्रेज आ गए, उन्होंने दबोच लिया मंगल पांडे को। फिर मंगल पांडे के खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ, 10 दिन बाद उनको फांसी हो गई, 8 अप्रैल 1857 को। जिस दिन फांसी हुई मंगल पांडे को, उस दिन उनके जो सहयोगी थे वो सब देख रहे थे अपनी आंखों से। उनके सहयोगी कौन थे? भारतवासी जो अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते थे। तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मंगल पांडे की बटालियन में जितने भारतवासी थे सबने इस्तीफा दे दिया, सेना छोड़ दी। ऐसे करीब 1100 सैनिक थे, और उन्होंने गंगाजल हाथ में लेके कसम खाई कि इन अंग्रेजों की शासन को हम खत्म करेंगे अब, जिन्होंने मंगल पांडे को फांसी दी। ऐसे करके वो 1100 लोग 5-5 के समूह बनाकर पूरे देश में घूम गए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, गांव गांव जाकर उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाई। लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, फिर संगठन खड़ा हुआ, और उस संगठन की मदद से पूरे देश में क्रांति शुरू हुई। उस क्रांति का दूसरा बीज पड़ा मेरठ में 10 मई 1857 को। मेरठ में भारतवासियों ने अंग्रेजों के घर जला दिए और अंग्रेज अधिकारी उसमें जल के मर गए। कुछ अंग्रेजों ने भागने की कोशिश की तो शहर के लोगों ने उनके सिर काट दिए हसीये से, गणासे से। फिर उसके बाद दिल्ली में क्रांति हो गई, और 5 दिन में दिल्ली के सारे अंग्रेजों को भारतवासियों ने मार डाला। फिर बरेली में, शाहजहांपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में, अलीगढ़ में, एटा में, इटावा में, मैनपुरी में,
भारत के ऐसे 350 जिलों में क्रांति शुरू हो गई और हर जगह एक ही नजारा था, जो अंग्रेज मिले उसको काटो। वैसे भारतवासी अहिंसावादी हैं, चींटी को भी नहीं मारते, लेकिन जब भारतवासियों के सब्र का बांध टूट जाता है तो गर्दन से भी काट देते हैं। भारतवासियों के बारे में मेरा एक आकलन है, वो ये कि ये जब तक सोते रहते हैं सोते रहते हैं, हाथी की तरह से सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं, लेकिन जब हाथी मदमस्त होके चलना शुरू कर देता है तो सबको रौंद देता है। ये भारतवासियों का स्वभाव है। इकट्ठे हो गए, गुस्सा आ गया, परिणाम जानते हैं क्या हुआ? 350 जिलों में 4 महीने के अंदर भारतवासियों ने 3,64,000 अंग्रेजों को खत्म कर दिया। दुनिया में ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं मिलता। और खत्म किससे किया? हसीये से, फसल काटने वाला हसिया, गणासा, हसिया, तलवार, भाला, यही था। थोड़ी बहुत भारतवासियों के पास बंदूकें भी थी। और इस क्रांति में इतना लोगों में गुस्सा और उबाल पैदा हुआ कि 4 महीने में 4.5 करोड़ भारतवासी पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार थे। अंग्रेज थे 3,64,000, भारतवासी 4.5 करोड़, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो 4 महीने में अंग्रेज मारे गए, खत्म हो गए। कुछ अंग्रेज जिंदा बच गए जो भागकर लंदन पहुंच गए। उनको पूछा गया, तुम कैसे बच गए? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने हमारे शरीर पर कालिख पोत ली थी, काला कर लिया था अपने शरीर को, तो भारतवासी हमको पहचान नहीं सके। कोयला लगा लिया था पूरे शरीर पर, तो भारतवासियों को लगा कि ये तो अपना ही आदमी है, काला है, इसलिए बच गए, वरना वो भी नहीं बचते। फिर उनसे पूछा गया कि तुम जो बच के आ गए हो, अब बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा, भारत में तो बड़ा मुश्किल है, अब नहीं जा सकते, भारत तो आजाद हो गया। हिंदुस्तान का, भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि 1 सितंबर 1857 तक पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, यूनियन जैक हर जगह से उतार दिया गया। ये जानकारी आपको शायद है या नहीं कि हम 1 सितंबर 1857 को ही आजाद हो गए।